आपको याद है कि जब मैंने हॉन्टेड ब्लॉक पार्ट वन बनाया था उसमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ आई डोंट नो यार, बहुत डर लगा मुझे। और आज वो भूत का साया शायद ख़त्म हो चुका है, लेकिन लास्ट बार जब हम गए थे पार्ट थ्री में जब मैं अकेला था ना, तो वहाँ पर आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर मैं अकेला बहुत सहमा डरा हुआ था। और गाइस मुझे नहीं लगता कि अब ये जो भूत प्रेत है, ये जो आत्मा है, ये वापस आएगी, लेकिन मुझे ये पता है कि वापस आने ही वाली है, क्योंकि मैं आपको लग रहा है कि मैंने पहले कहा वापस नहीं आएगी आएगी। यार मैं सच्ची कह रहा हूँ, अलर्ट रहना है। अरे भाई तो यार मैं कह रहा हूँ कि भाई सब जो भी हो, हमें इस भूत को ख़त्म करना है। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे शिवा भाई, हिमांशु राजौरिया, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे टेक्नो गेमर्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स वही हैं, मेरे पैट्रिक और इंसान, लाइव इंसान, दोनों बहुत सही है, लेकिन यार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चपाती हिंदुस्तान गेमर, ब्लॉगिंग गेमर हिंदुस्तान, मैं भूल गया क्या क्या, मैं बहुत पहले देखता था ना पकाओ टीवी चैनल, भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं हर एक यूट्यूबर्स को देखता हूँ। हैप्पी बर्नर, बहुत सारे यूट्यूबर, रचित, माई मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लावा, ये रहा इस लावा में 100 का हमने उसको तोड़ तो क्या है। अरे क्ले, हमें क्ले मिल चुके हैं भाई, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ। और गाइस मैं बताने जा रहा हूँ कि गाइस अभी मैं माइनक्राफ्ट धीरे धीरे शुरू करूँगा, और जब अच्छे से शुरू करेंगे ना, तब मैं ना एक स्पीड रनर का पार्ट वन बनाऊँगा, पार्ट टू, और गाइस मैं पार्ट टू बनाऊँगा, पार्ट नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि मतलब वो है ना क्या कहते हैं स्पीड रनर से, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और गाइस इस बार की तरह, हमेशा की तरह, इस बार मुझे भी जीतना है, और बस यही था। और मैं बताने जाऊँ ना कि तो ये होते हैं, ये हमारे यहाँ पर एक कोई गली है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो गालियाँ काट रहे हैं, काटते हैं। हम पूरी टीम बन के वहाँ गए थे, नहीं ये काम करते, एक स्टोरी बताता हूँ आपको। तो ये क्या होता है, एक बार गाइस हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था सैम, और मैं और हमारे कुछ फ्रेंड्स जैसे शिवा, मानचू, बहुत सारे फ्रेंड्स, मोहित, मानव, हम सब ना वहाँ गए थे, वो हमसे पंगे ले रहे थे। ऊपर जो जैसे हमारा घर है उसके सामने ना ऊपर कुछ रहते हैं लोग, उनके ऊपर एक छत पे है, वहाँ पर हमें ना वो बट्टे मार रहे थे हमें, हम किसी तरह बच के हम वहाँ पर ना गौशाला गए, जहाँ वहीं पर वो रहते थे, और हम वहाँ पर जाकर हम कूटने के लिए गए उसको, हम कूट कर आ गए हैं। तो फिर मेरे दोस्त मोहित ने बताया कि आज एक बार, सॉरी मानव ने बताया कि चलो आज है ना हम थोड़ा सा घूम जाते हैं, हैं तो पंडित जी से मिल कर आते हैं। तो गाइस हम पंडित जी से मिलकर आ गए छुप छुप कर, और गाइस हम पंडित जी के बहुत ही पास आ गए, लेकिन गाइस हमें कोई भी नहीं देख रहा था। और जब जैसे ही मतलब जैसे ही हम गए ना, मतलब मोहित थे मानव, वो दोनों पहले चले गए थे, और हम शिवा को पता नहीं था कि क्या करना है। तो फिर उसने ना पूछा कि क्या कहते हैं, वो अंकल कह रहे कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो हम शिवा कह रहे हैं, वो बस झूठ में बोल दिया उसने कि वो बस हमारा एक दोस्त है, उसको लेने आए थे हम। तो शिवा ने मुझे घूरा और कहा बच गए ना, तेरा भाई ऐसा ही है। फिर गाइस हम बचते बचते छुप छुप के हम भाग के उनके पास पहुंच गए, और फिर गाइस
हम बच के ना उस गली में चले गए जहाँ पर वो थे, वो बंदे रहते थे, मतलब थोड़ा घूम के आना था ना वहाँ पर। और गाइस जो हुआ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और गाइस मैं सच्ची बताऊँ ना, ऐसे कुछ अगर आपको एक चीज कर सकते हो तो ऐसे भी नहीं कह रहा मैं करो ऐसी चीज, मैं कह रहा हूँ अगर आप ऐसी चीज आपके साथ हो और आप स्पीड में नहीं हो तो फिर आपके पास एक ही मतलब है, आपको थोड़ी स्पीड बनानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि गाइस वो बहुत ही मुश्किल था। अभी ये देखो 5 मिनट की वीडियो बन चुकी है। और गाइस मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा और गाइस मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या हुआ था हमारे साथ जिससे हम इतनी मुश्किल से बच पाए। और गाइस वो दिन मुझे अभी भी याद है, और अगर जब भी मैं गौशाला की ओर देखता भी हूँ ना मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि गाइस वो मेरी बचपन की यादें बहुत डरावनी थी। तो आज वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।